अजी क्या है? अजी अजी ये लाड़ा ये डबल एक्टिंग क्या है? सीधा बोलो क्या 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 बोलना है? अरे घर में चावल खत्म हो गए जी, चावल लेके आओ। क्या बोले जी तुम? घर में क्या खत्म हो गए? चावल खत्म हो गए, चावल लेके आओ। बोरे क्या बात की जागीर है, परसों लेके आया ना, चार पांच दिन है वे चावल लेके आके। अरे अरे चावल लाना याद है, घर में वो बेगैरत पड़ा हुआ याद नहीं है तुमको? बेगैरत बताने का ना, वो हमारा रिश्तेदार है, बेगैरत कैसा होता जी? तुम्हारा रिश्तेदार है? अरे घरी तो भी गैरत है जी, दो दिन को बोल के आ गया, दो महीने से यहीं पड़ा हुआ है बेमान। अरे ने तुम्हारे लोग नहीं आते शायद? अरे हमारे लोग आए तो तुम्हारे घर की चाय भी हराम है, समझे? बेकार बात मत करो, पोटलियां लेके चले जाते हमारे लोग हैं पोटलियां। अरे भाई खामखा आप लोग मेरे तरफ से क्यों परेशान है? मैं खुद चले जा रहा हूँ, काई को खामखा नहीं आप लड़ ले उनको। इनकी बात नहीं है जी, वो तुम्हारे फूफू जान आ जाते गाँव से, महीना महीना टिक जाते, वो खाला मां आते उन्होंने टिक जाते, आखिर घर है क्या है ये? दिमाग खराब बात मत करो, अच्छे खासे आदमी को बढ़ा दिए ना तुम। अरे मैं बढ़ाई? अरे सुबह तो क्या लेके बैठे, जब देखो जब कोई ना कोई टिक जाते, अरे मेरी जिंदगी को तो कील लगा दिए। अरे क्या है भाई, मैं तुम्हारे को जरा एक्टिंग करो बोला तो तुम ज्यादा ही शुरू कर दिए। क्या खाली एक्टिंग करो बोला उन्हें गए तक? अरे तो मैं भी सही भी काम कर रही थी, मैं भी एक्टिंग कर रही थी। मैं भी चुपका चुपी यहाँ तक गया था। क्या भाइयों, ये उस वक्त की तकरीर है जबकि मरहूम शेख मुजीबुर रहमान जिंदा थे जी, और वो हिंदुस्तान आए थे जी, और उस सिलसिले में इंदिरा गांधी ने अपने बारे में कहा कि हमने आपकी आजादी में कितना हिस्सा लिया। अच्छा सर, तो उसको मैं स्पीच में बताऊं। हमने अपनी जनता से तीन वादे किए थे। पहला वादा शेख मुजीबुर रहमान की आजादी का, उन्हें भी हमने आजादी दिलाई। दूसरा वादा बांग्लादेश की आवाम की रहन सहन का, उन्हें भी हमने अपने देश में पनाह दी। हम अपनी जनता से ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो देश की भलाई के लिए सख्त से सख्त मेहनत करके देश का हाथ बटाएं। हम देखते हैं देश में आंदोलन होते हैं, झगड़े होते हैं, फिसाद होते हैं, इससे देश की उन्नति बर्बाद होती है। हमें एकजहती कायम करनी होगी, देश का नाम बढ़ाना होगा, सबको मिलजुल कर रहना होगा। मैं